पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पर महाराष्ट्र में भी यहाँ पर आए तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर एक साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन का हिस्सा बना, वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहां पर रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से, और ये उन्हीं की जीत है। सर, जिस तरीके से कानून को वापस लिया गया, क्या मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाकर किसानों के हित में निर्णय लिया है? नहीं नहीं, कोई बड़ा दिल नहीं है ना, तो फाइनल साल कंपनियों के एजेंट है, कौन बड़ा दिल दिखा रहा भाई? लिया है तो किसानों का संघर्ष का नतीजा है ये, और आज भी हेरा फेरी बहुत हो रही है। एमएसपी पे गारंटी कानून जब तक नहीं बनेगा आधे रेट में किसानों की फसलें बिकती रहेगी। बिजली अमेंडमेंट बिल है, अगर कोई दो पशु रखेगा उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, अगर आंदोलन न होता तो सीड बिल लेकर आते। बीज का कानून आ रहा है अभी देश में, अगर बीज का कानून आएगा तो कौन किसान अपने खेत में कौन सा बीज बोएगा ये कंपनियां बताएगी, ये तो उनका अधिकार होने जा रहा है। तो ये संघर्ष और भी लंबा चलेगा, जारी रहेगा, और सरकार को हमने कहा है कि आप बातचीत का रास्ता खोलो, जब तक बातचीत नहीं होगी तो किसान वहां से जाएगा नहीं। आज 9 मेंबर कमेटी की मीटिंग है, हम उसमें पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा तय करेगा।